हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का 14 पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काम्या और केगो क्लास स्किप करके घूमने चले गए थे और घर आते समय उन दोनों को काम्या के पापा देख लेते हैं, इसीलिए वो उन दोनों को अपने घर पर बुलाते हैं। उसके बाद वो काम्या की मॉम को भी कॉल कर अपने घर पर बुलाते हैं। जैसे काम्या की मॉम घर पर पहुंच जाती है तो केयू काम्या से बोलता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक दिन कहा था कि अगर तुमने क्लास स्किप की तो तुम्हारी मॉम तुम्हें मार डालेगी। और जब केको काम्या से ऐसा बोलता है तो उसकी मॉम सुन लेती है और उसकी मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो काम्या के पापा बोलते हैं, क्या तुमने पहले भी क्लास स्किप की है? तो काम्या कहती है कि नहीं नहीं पापा, ये मेरा बस फर्स्ट टाइम है। उसके बाद वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी आपके जॉब का क्या हुआ? तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने आज हाफ डे लेकर आई है। जब काम्या की मॉम ये सुनती है तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि काम्या की मॉम कभी अपनी जॉब से छुट्टी लेती नहीं थी। काम्या के पापा काम्या की मम्मी को शांत रहने के लिए बोलते हैं। तो काम्या की मॉम गुस्से में ही केगो को बोलती है कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तो केगो कहता है कि हाँ शायद थोड़ी सी लगी है। तो काम्या की मॉम बोलती है कि शायद नहीं, ठीक से बताओ। तो केगो कहता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। उसके बाद काम्या की मॉम काम्या के डैड को बोलती है केगो के लिए खाना बनाने के लिए। जैसे ही काम्या के डैड वहाँ पर से चले जाते हैं तो वहाँ पर काम्या और केगो और उसकी मॉम ही रहते हैं। ये सब देखकर केगो के मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी मॉम कितनी स्केरी है। तो उसकी मॉम केगो को गुस्से वाली नजरों से देखने लग जाती है। उसके बाद वो सभी साथ से मिलकर लंच बनाते हैं। काम्या की मॉम केगो से बोलती है कि तुम डंपलिंग्स तो काफी अच्छी बना लेते हो। तो केगो बोलता है कि बचपन से ही मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, इसीलिए मैं खाना बनाता ही रहता था और आज मैं काफी अच्छा कुक बन गया हूँ। तो काम्या बोलती है, और मुझे देखो, बचपन से लेके अब तक मुझे खाना बनाना नहीं आया। खाना बनाने से ज्यादा इंटरेस्ट तो मुझे खाना खाने में आता है। तो केगो कहता है कि क्या हो गया, हर इंसान किसी न किसी चीज में तो बेकार होता ही है, इसमें तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे ये कहा था ना कि तुम अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझोगी। जब केगो ऐसा कहता है तो काम्या की मॉम केगो को बड़े ध्यान से देख रही होती है। फिर केगो कहता है कि तुम कुछ चीजों में बुरी हो तो कुछ चीजों में अच्छी भी तो हो। तो काम्या केगो को थैंक्स कहती है। उसके बाद काम्या अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपको केगो का नाम कैसे पता चला, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। तो काम्या की मॉम बोलती है कि तुम भूल गए, एक दिन तुमने बताया था कि तुम कितनी क्रेजी फैन हो केगो की और वो कितने ही बार ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीता भी है। तो केगो कहता है कि क्या सच में तुम मेरी क्रेजी फैन थी? फिर काम्या कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैंने मॉम से ऐसे ही बोला था। तो काम्या की मॉम उससे बोलती है, वैसे मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा मॉडलिंग करते हो और काफी बार ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीते भी हो। तो केगो कहता है कि हाँ मैं कई बार ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीता हूँ। फिर उसके बाद वो काम्या को अपने नाम से चिढ़ाने लग जाता है और कहता है कि ओ तुम मेरी क्रेजी फैन थी। तो काम्या हंसते हुए बोलती है कि मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी तो बस ऐसे ही बोल रही है, मैंने मम्मी को बस ये बताया था कि तुम हमारे स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। तो केगो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। थोड़ी देर में उनका लंच बनके तैयार हो जाता है और काम्या लंच को देखकर बोलती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हमने बनाया है। थोड़ी देर बाद वो सब लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। सभी को लंच बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और सभी बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर में काम्या को बुरा लगता है तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप पूछोगे नहीं कि मैंने आज क्लास स्किप क्यों की? तो काम्या की मॉम बोलती है कि ये तुम्हारी लाइफ है, अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हारे पास अपने कुछ रीजन रहे होंगे। वैसे मैं तो तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम मुझे बता दो कि मैं तुमसे क्या पूछूं। तभी उसके पापा बोलते हैं कि हम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए हमें पता है कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। आई नो कि तुमने स्कूल स्किप करके गलत किया, लेकिन कभी कभी लाइफ के मजे भी लेने चाहिए, इसीलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब छोड़ो तुम खाना खाओ। तो काम्या को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके पेरेंट्स उस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। फिर उसके पापा केगो के लिए कहते हैं कि वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा है। तो काम्या कहती है कि केगो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या केगो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो काम्या अपने पापा को देखकर हंसने लग जाती है। काम्या के पापा को ये सब सुनके थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है तो उसकी मॉम उसे शांत कराने लग जाती है और बोलती है कि कामों का तुमने मुझे डरा दिया था, अगर एक लड़का और लड़की साथ में घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, तुम बीबी ना कुछ समझे ही आधी अधूरी खबर दे देते हो। तभी केको बोलता है कि मैं काम्या को डेट तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। तो काम्या को कुछ समझ में नहीं आता है कि केको ये क्या बोल रहा है। फिर केको बोलता है कि बट काम्या को मुझसे भी एक बहुत अच्छा लड़का पसंद करता था और वो उन्हें सोरा के बारे में बता ही रहा होता है, तब तक काम्या उसे चुप करा देती है और बोलती है कि प्लीज कुछ मत बताओ इनको। तो केको बोलता है कि क्या हो गया, ये सच्ची बात है?
अगर हम तुम्हारे मॉम डैड को बता भी देंगे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो काम्या कहती है कि नहीं नहीं प्लीज तुम मेरी मॉम डैड को कुछ भी मत बताओ। तभी काम्या को हिमारी का कॉल आ जाता है। उसके बाद काम्या कॉल उठाती है तो काम्या हिमारी को देखकर थोड़ी देर तक तो चुपी रहती है। तो काम्या बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना, तुमने मुझे कॉल किया और अब तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। तो हिमारी कहती है कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तो काम्या कहती है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद मुझे बता दो। तो हिमारी काम्या को बताती है कि उसने बॉयफ्रेंड बना दिया है और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि ताकी गावा है। तो काम्या बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी वहाँ पर केगो भी आ जाता है और केगो उससे कहता है कि क्या तुमने ताकी काबा को अपना बॉयफ्रेंड बना दिया। तो हिमारी केगो को देखकर बोलती है कि मुझे पता था कि केगो तुम्हारे साथ होगा। और फिर उनसे बोलती है कि हाँ ताकी काबा को मैंने अपना बॉयफ्रेंड बना दिया है। उसके बाद वो उन्हें बताती है कि जब वो अकेले खड़ी हो रखी थी तो ताकी काबा उसके सामने आया था और कुछ देर तक हिमारी से बात करने के बाद ताकी काबा ने हिमारी को अपने दिल की बात बता दी थी, जिसे सुनकर हिमारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि हिमामारी भी तो ताकी काबा को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बस उसने उसे कभी बताया नहीं था और वो उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया पल था। तो काम्या ये सब सुनकर हिमारी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है और काम्या और केगो हिमारी को उसके रिलेशनशिप के लिए कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। तो हिमारी काम्या को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि थैंक यू काम्या, मैंने तुमसे ही सीखा है कि कोई भी चीज में अपना बेस्ट दो, इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप में भी अपना पूरा बेस्ट दूंगी। तो केगो कहता है कि ये सब तो छोड़ो लेकिन तुम पार्टी दे देना। तो हिमारी कहती है कि पक्का। उसके बाद हिमारी उनसे बोलती है कि चलो अब मैं फोन रखती हूँ, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तो काम्या कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो हिमारी कहती है कि थैंक यू, उसके बाद वो फोन रख देती है। दूसरी तरफ केगो हिमारी और ताकी काबा के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो काम्या की मॉम डैड को भी ये सब बताता है। तो काम्या की मॉम डैड बोलती है कि अच्छा हिमारी ने भी बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो केगो कहता है कि हाँ उन्होंने भी बॉयफ्रेंड बना लिया है लेकिन आपको कोई भी चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ताकी काबा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। तो केगो के मॉम डैड उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वो सब बैठे रहते हैं तो काम्या की मॉम केगो से कहती है कि मुझे समझ में भी नहीं आता है, अभी हम मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे फिर भी लोगों को अपीयरेंस पता नहीं इतनी ज्यादा क्यों पसंद आती है, लोग कभी भी इंसान को नहीं देखते हैं बस उसकी शक्ल से ही उसे जज करते हैं। तो केगो कहता है कि बिल्कुल सही कहा आपने। तो काम्या की मॉम केगो से कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा समझदार लगते हो। तो केगो उनको थैंक यू बोलता है और थोड़ी देर बाद काम्या और केगो बर्तन धोने लग जाते हैं। तो काम्या केगो से कहती है कि आज मैंने स्कूल इसीलिए स्किप किया ताकि मैं तुम्हें चीयर कर सकूं लेकिन बदले में तुमने ही मुझे इतना ज्यादा चीयर कर दिया। सच्ची में आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, भले ही हम समुद्र के सामने ना जा पाए लेकिन घर पे जो हमने टाइम स्पेंड किया वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। तुम्हें पता है कि अगर मेरा दिन हमेशा ही ऐसा जाए तो मैं कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहूंगी और मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहूंगी। उसके बाद केगो काम्या से बोलता है कि तुम्हें पता है कि आज मुझे तुम्हारे साथ तो तुम्हारे मॉम डैड के साथ इतना अपनापन फील हुआ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि तुम मेरे अपने ही हो। मैं भी हमेशा से ब्यूटी कंपटीशन जीतना चाहता था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी कंपटीशन जीतने से ज्यादा खुशी तुम लोगों के साथ मुझे हुई। और शायद अगर हम समुद्र के सामने जाते तो हमें वो पसंद आता लेकिन हमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा हमें तुम्हारे घर पे लगा है। तुम्हारे मॉम डैड और तुम बहुत ही काइंड हार्टेड और अच्छे हो, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि कोई जगह है जहाँ मुझे जेन्युइनली कोई अच्छा मानता है। मेरी प्लास्टिक सर्जरी के वजह से लोग मेरे बारे में बहुत ही गलत बोल रहे हैं जिसके कारण मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था और मुझे लग रहा था कि मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। लेकिन मुझे अब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली। अभी अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो मुझे स्कूल में ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो काम्या बोलती है कि क्या तुमने आज पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं तो भूल ही गई थी। केगो तुमने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने ड्रीम को छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ हमारे साथ खुशी मिली होगी लेकिन असली खुशी तुम्हारे ड्रीम को पाने में है जो कि ब्यूटी कंपटीशन है। तो केगो कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ लोगों की बातें सुनकर, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो काम्या कहती है कि तुम मुझे हमेशा बोलते हो कि मुझे लोगों की कभी नहीं सुननी चाहिए, तो आज तुम लोगों के कहने पे अपना ड्रीम छोड़ दोगे। वो तो चाहते ही ये हैं कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे और उनको मौका मिले लेकिन तुम उनकी वजह से अपना ड्रीम नहीं छोड़ सकते हो। केगो मैं जानती हूँ कि तुम हर बार ब्यूटी कंपटीशन कितना ज्यादा एक्साइटेड होते हो और इस बार भी तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो लेकिन बस लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा और भले ही अभी तुम्हें इस चीज का रिग्रेट
नहीं होगा, बट उसके बाद तुम्हें जिंदगी भर इस चीज का दुख होगा कि तुमने अपने हाथ से कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तुम्हें कुछ भी करके अपना ड्रीम फॉलो तो करना ही पड़ेगा केगो, और मैं केगो तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी और जीतोगे भी, तभी उन सब लोगों का मुंह बंद होगा जो तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहे हैं। तुम इस तरीके से हार नहीं मानोगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय।